बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर वार्ता की और प्रदेश में कोविड की स्थिति तथा कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। पीएम मोदी ने सीएम योगी से वार्ता कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति तथा कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को यह अवगत कराया कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोविड 19 की रोकथाम के लिए ICU बेड्स की उपलब्धता के साथ साथ ऑक्सीजन की अनवरत आपूर्ति, ट्रैक और ट्रेस करते हुए व्यापक टेस्टिंग की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में निजी प्रयोगशालाओं द्वारा RT-PCR टेस्ट किए जाने के बारे में भी मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त की। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी कि प्रदेश में 104 निजी प्रयोगशालाएं तथा 125 सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाएं कोविड टेस्ट का कार्य कर रही है। 18 अप्रैल को निजी प्रयोगशालाओं द्वारा लगभग 19,000 से अधिक RT-PCR टेस्ट किए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को अपने अपने जनपद में निजी प्रयोगशालाओं की RT-PCR टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने का प्रयास करने का आदेश दिया गया है और इस क्षमता वृद्धि का पूरा उपयोग भी करने को कहा गया है। प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि निजी प्रयोगशालाओं के पास RT-PCR जांच हेतु पर्याप्त संख्या में सैंपल उपलब्ध नहीं है तो जिला प्रशासन सरकारी संस्थाओं द्वारा संकलित सैंपल RT-PCR जांच हेतु निजी प्रयोगशालाओं को भेजे। इसके लिए ₹500 प्रति सैंपल के दर से निजी प्रयोगशालाओं को भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में समस्त संबंधित को निर्देशित किया जा चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से यह भी बताया कि कुछ स्वार्थी तत्व यह अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं कि निजी प्रयोगशाला कोविड जांच नहीं कर रही, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। प्रदेश में अब तक लगभग 17 लाख कोविड टेस्ट निजी प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए हैं, जिनमें 8,84,330 RT-PCR टेस्ट और 3,18,000 नेट टेस्ट तथा 4.5 लाख के करीब रैपिड एंटीजन टेस्ट निजी लैब्स में किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा निजी लैब्स की क्षमता अनुरूप टेस्टिंग कार्य कराया जा रहा है और इसके बारे में मीडिया के माध्यम से जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि योगी सरकार प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के फैसले के विरोध में इसी वजह से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां इस सुनवाई को अभी सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। योगी आदित्यनाथ कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी भी घोषित कर चुके हैं। अब सरकार के इन तमाम दावों के बावजूद जमीनी हकीकत की तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। आप देख रहे थे मीडिया हलचल। आपको ये खबर कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर हम हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक करें, साथ इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।